दिल्ली में लगातार हो रही सीलिंग और कन्वर्जन चार्ज के विरोध में कारोबारियों का संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बंद का ऐलान किया है, जिसका असर दिल्ली के बाजारों पर दिखा। इस दौरान करोलबाग सहित कई बाजार बंद रहे। बताया जा रहा है कि दिल्ली भर के करीब 7 लाख कारोबारी इस बंद में हिस्सा ले रहे हैं। हड़ताल कर रहे संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में दिल्ली नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। इस सीलिंग के लिए MCD एक्ट 1957 के प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। दिल्ली के कारोबारियों के इस बंद को आम आदमी पार्टी अपना समर्थन दे रही है। कारोबारियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2006 में अवैध निर्माण की सीलिंग के आदेश दिए थे। इस आदेश पर बवाल बढ़ता देख केंद्र सरकार ने 2006 में दिल्ली स्पेशल प्रोविजन बिल लेकर आई। इस बिल के तहत तब तक बन चुकी अवैध इमारतों को सीलिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया था। अब जुलाई 2014 के बाद हुए अवैध निर्माणों पर MCD सीलिंग कर रही है और अब इसका विरोध कारोबारी कर रहे हैं।